नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग गढ़वाल की डायरेक्टर भारती राणा द्वारा गढ़वाल के तमाम कोविड अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। आज भारती राणा द्वारा हरिद्वार के मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। भारती राणा मेला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं से संतुष्ट नजर आए। वहीं मेला अस्पताल के CMS राजेश गुप्ता का कहना है कि गढ़वाल डायरेक्टर भारती राणा द्वारा मेला अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमारी तैयारियों का जायजा लिया गया। एक्चुअली डायरेक्टर गढ़वाल होने के नाते सभी सरकारी अस्पतालों में DG महोदय के निर्देशों में सभी कोविड हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं उनका निरीक्षण मैं कर रही हूँ। तो आज हमारा मेला चिकित्सालय जो कि एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण था और मेडिसिन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। जो आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे अच्छे, और एक आपको मैं खास बात बताऊँगी कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड फैसिलिटी भी यहाँ पे चलाई जा रही है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी। आज गढ़वाल निदेशक की डायरेक्टर डॉक्टर भारती राणा यहाँ आई थी अचानक दौरे पे, तो उन्होंने आ जाके पूरा ऑक्सीजन प्लांट का, बाढ़ का, RT-PCR लैब का और जो हम तीसरी लहर संभावित मान के चल रहे हैं उसकी तैयारियों का जायजा लिया। और उन्होंने सभी डॉक्टरों से, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, सबसे बात की, स्टाफ नर्सों से, उनके वेतन आदि जो भी उनकी समस्या या जो उनको काम का अनुभव है उनके सबका उन्होंने जायजा लिया। और उन सारी बातों से सुनकर उनको काफ़ी संतुष्ट लगी। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छी पाई गई तो उन्होंने उसको नोटिफाइड किया है। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों के साथ लगता है चोली दामन का साथ है। बाबा आजकल जो भी बोल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विवाद ही खड़ा हो जाता है। बाबा का अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बाबा ने कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने पर कई तंज कसे हैं। बाबा ने तो इशारों में देशव्यापी बीमारी से लाखों लोगों के बीमार होने पर सीधे PM मोदी पर तंज कसा है। ये वीडियो गुरुवार को योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का है। बाबा रामदेव पतंजलि योग ग्राम में लोगों का को योग करा रहे थे। इसी दौरान बाबा अपने भक्तों को भी संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस राष्ट्र के नागरिक बीमार हों सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक और धार्मिक अपराध है। जिस राष्ट्र के नागरिक बीमार हो तो उसके लिए उस राष्ट्र के राजा को दंड मिलना चाहिए। पौड़ी विधानसभा में आजकल पानी को लेकर लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ना ही गांव में रहता है और ना ही ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान देता है, जिस वजह से जल जीवन मिशन या घर घर नल के तहत ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोर प्रमुख पूर्णिमा नेगी ने प्रधानों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सभी प्रधानों को अपने अपने गाँव की पानी की समस्या का हल स्वयं ही करना होगा। जहां लोग घरों से नहीं निकल रहे वहीं पानी लेने उन्हें घरों से दूर जाना पड़ रहा है। पूर्णिमा नेगी ने बताया कि उनके द्वारा सभी प्रधानों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो घर घर जल योजना या जल जीवन मिशन के तहत सभी को पानी उपलब्ध कराएं। हम 10 दिन के अंदर अंदर जो है तो उस पानी का आपको पानी को गाँव तक पहुँचा। विकास खंड कोट में माननीय विधायक जी के द्वारा निरीक्षण किया गया तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में माननीय विधायक जी ने निरीक्षण किया है और विधायक जी के द्वारा यहाँ पर सभी आशा कार्यकर्ती बहनों को दवाइयाँ और ये नम बहनों को किट और सभी दवाइयाँ वितरण की है। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से माननीय विधायक जी अपनी विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण करे और निरीक्षण करे हैं, माननीय विधायक जी का ये बहुत सराहनीय कार्य है। पंत नगर के नगला बाईपास स्थित वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल में क्षेत्र के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश गोपाल पुरी का खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के भारी विरोध के बीच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुद्रपुर मोर्चरी भेज दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे गाँव के कुछ लोग बकरियां चराने नगला बाईपास के जंगल की ओर गए थे, जहां उन्होंने खून से लथपथ एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। युवक के सर में कई गहरे घाव मौजूद होने से उसका काफी खून बह चुका था। चरवाहों ने इसकी सूचना नगला बाईपास से दुकानदारों और पुलिस को दी। तफ्तीश में मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त नगला बाईपास निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश गोपाल के रूप में की है। सूचना आई थी थाने से, गोपालपुरी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घर पे लाके उन्होंने इसका शव रखा था।
तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पंचायत में हमें मौके पे भर लिया गया है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में शासन और प्रशासन की ओर से आने वाले श्रद्धालु साधु संतों के लिए जो तैयारियां की गईं, आज महाकुंभ के बाद कुंभ मेला क्षेत्र, गौरीशंकर, बैरागी कैंप, मालवीय द्वीप सहित कई अन्य क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण के लिए डस्टबिन लगाए गए थे, जिन्हें कुंभ मेला समाप्ति के बाद नगर निगम के प्रांगण में लाकर इकट्ठा कर दिया गया, जिस पर कई तरह के अब सवाल उठने लगे हैं। आज वो डस्टबिन नगर निगम के प्रांगण में धूल फांक रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा लगाकर जिन डस्टबिनों को बनवाया गया था, आज वो पैसा और मेहनत बेकार जाती दिख रही है। जी डेफिनेटली, जो आप देखेंगे जितने भी हमारे ये डस्टबिन थे वो काफ़ी ऐसी जगह लगाए गए थे जहाँ टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। बैरागी कैंप था, गौरीशंकर था, यहाँ टेम्प्रेरी कैंप्स लगे थे। कुछ हमारे अखाड़ों के लगे थे, कुछ हमारी खुद जो ऑर्गेनाइजेशंस आ रखी थी, चाहे पुलिस की हो या दूसरे विभागों की हो, उनके लिए डस्टबिन थे। उस एरिया से उनको निकालना ज़रूरी था क्योंकि वो जो एरिया है दैट इज़ इनहैबिटेड एरिया। अब उनको निकाल के हम उसे मेन सिटी में, जो हमारा जहाँ फुटफॉल रहता है, उधर हम प्लेसमेंट करेंगे उनका। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार को हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। जनपद हरिद्वार में कोरोना से जंग जीतने के सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ उद्योग जगत भी संकट के समय में सरकार की तरह मदद करने में आगे आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा से बातचीत कर सहयोग की बात की थी, जिसके बाद से कोविड मरीजों की मदद के उद्देश्य से महिंद्रा ग्रुप में महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के सौजन्य से उत्तराखंड के लिए 3 एम्बुलेंस मुहैया करा दी गई हैं। आज हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के कैंप कार्यालय पर महिंद्रा ग्रुप द्वारा 3 एम्बुलेंस जिलाधिकारी हरिद्वार को सौंपी गई। ये बहुत ही उपयोगी है। अभी तो हमारा जो जिला में कोविड केस पहले से काफ़ी कम हुए हैं, इस तरह से रोज 1500 से ज़्यादा आ रहे थे, डेथ भी काफ़ी हो रही थी, तो अभी काफ़ी कंट्रोल है और सबके सहयोग से पूरा, और खासकर औद्योगिक हमारे जो हैं सिडकुल वाले, उनका भी काफ़ी सहयोग मिलते रहा है। और महिंद्रा का जो अभी मिला है वो दो एम्बुलेंस हमारे जिले के लिए है, एक नैनीताल के लिए उन्होंने आज दिए हैं। महिंद्रा की ओर से आज हमारे पास वैसे 2 एम्बुलेंसेस फॉर हरिद्वार एंड 1 एम्बुलेंस फॉर नैनीताल इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये केवल कोविड काल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए जो है ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे जनपद जो है वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनपद है, तो इसमें मल्टीपल जो इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंस का आवश्यकता निरंतर रहता है, तो इस दृष्टि से देखा जाए ये बहुत बड़ा राहत है और बहुत बड़ा मददगार एक इनिशिएटिव है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से महिंद्रा कंपनी को हम लोग हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों को धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। भाद्रपद पुलिस ने कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में यूथ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्ला, कार्यकारी जिलाध्यक्ष रवि बहादुर, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी, हिमांशु बहुगुणा समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ पतंजलि योग पीठ के सामने धरना प्रदर्शन दिया था। कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ रामदेव लाला मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। रामदेव द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। जो है कल कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा थाना बाजाराबाद के क्षेत्र में आयोजित किया गया। पहले उनका अवगत करा दिया गया कि अभी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन चल रहा है उसका अंदर का जो कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसी इसका बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम कराया। तो उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम और IPC द्वारा उन्हें के अंदर जो है हमने मुकदमा कायम किया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।